क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी मौत खुद उसकी डैडी की वजह से हुई हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो अंडे खाते खाते ही इस दुनिया से चला गया हो। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आता है वो एक ना एक दिन समय आने पर वापस भी जरूर जाता है। लेकिन कुछ लोगों को देखकर लगता है कि जैसे इन्हें ना तो समय से कुछ लेना देना है और ना ही अपनी जिंदगी से कोई लगाव। इन्हें देखकर एक पल को आपको भी ऐसा लगेगा कि शायद भगवान ने भी इन्हें जिंदगी देकर गलती ही कर दी। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में है जिनकी मृत्यु बेहद अटपटे ढंग से हुई। बात अफसोस की जरूर है, लेकिन एक सबक भी है जो हमें ये सिखाता है कि ऐसी बेवकूफी भरी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। अब इनसे मिलिए, ये है वु योंगनिंग। कहने को तो ये चाइना का एक फेमस स्टंटमैन था जिसे ऊंचाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। ये डेयर डेविल बिना सेफ्टी के कहीं भी चढ़ जाता था और सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए एक्सट्रीम लेवल की सेल्फियां भी लिया करता था। लेकिन एक दिन इसका यही ओवर कॉन्फिडेंस इसकी मौत का कारण भी बना, जब एक लाइव वीडियो में इस स्टंटमैन की मौत का दृश्य रिकॉर्ड हुआ। जांच में पाया गया कि ये लड़का कभी भी सेफ्टी किट का इस्तेमाल नहीं करता था और बिना किसी सेफ्टी के ही ये अक्सर सैकड़ों मीटर ऊंची बिल्डिंग से लटक जाया करता था। लेकिन एक दिन अचानक ही इसका बैलेंस बिगड़ा और ये जमीन पर जा गिरा और गिरते ही इसकी मौत हो गई। वु योंग अपने आप को चाइना का पहला रूफ टॉपर कहता था, जिसका उसे कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन अफसोस कि ये कॉन्फिडेंस एक दिन ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया और उसकी जिंदगी ले डूबा। और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, साल 2019 में भारत में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई जिसमें सनक के आगे एक और जिंदगी हार गई। तो हुआ यूं कि जौनपुर में रहने वाले सुभाष ने अपने दोस्त से ये शर्त लगाई कि कौन सबसे ज्यादा अंडे खा सकता है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि कोई कितने अंडे खा लेगा, 3-4 या फिर ज्यादा से ज्यादा 7-8। लेकिन उसके बाद तो किसी का भी अंडों से मन भर ही जाएगा। लेकिन यहाँ बात शर्त की थी, जिसमें सुभाष नाम का ये शख्स महज 2000 रुपए जीतने के लिए अंडे पर अंडे खाते ही चले जा रहा था। 10 से 20 और 20 से 30, एक तरफ ये गिनती बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ सुभाष के अंडे खाने की स्पीड। जैसे ही ये गिनती 42 पर पहुंची तो अचानक ही सुभाष बेहोश हो गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को ये समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और जब तक माजरा समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही सुभाष को मृत घोषित कर दिया गया, जहां उसकी मौत का कारण ज्यादा अंडे खाने की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना बताया गया। वैसे ये अनोखी मौतों का सिलसिला आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। जैसे साल 1567 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में एक मेयर था जिसे दाढ़ी के बाल बढ़ाने का शौक था। हालांकि दाढ़ी बढ़ाना कोई अजीब बात तो नहीं है, हाँ अगर वो 1.5 मीटर की ना हो तो। खैर, इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ाने के बाद भी इस मेयर को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती थी। ये अपनी दाढ़ी का ख्याल अच्छी तरह से रखना जानते थे, जिनका एक कमाल का स्टाइल ये भी था कि ये अपनी दाढ़ी का आखिरी छोर अपनी अगली जेब में रखते थे। लेकिन एक दिन अचानक इनकी बस्ती में आग लग गई और ये अपनी जान बचाने की कोशिश में जैसे ही भागने लगे, तभी अचानक बदकिस्मती से इनकी दाढ़ी इनकी ही पैरों की बेड़ियां बन गई, जिनमें फंस कर ये ऐसे गिरे कि गर्दन टूटने के कारण इनकी मौके पर ही मौत हो गई। सोचिए, जिस दाढ़ी से जिंदगी भर जान से भी ज्यादा प्यार किया हो, उसी दाढ़ी ने इस व्यक्ति की आखिर में जान भी ले ली। अगर आप ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये किसी दूसरी दुनिया से आया एलियन नहीं बल्कि चाइना का वो शख्स है जो मधुमक्खी के छत्ते से खेल रहा है। इसकी खुशी का कारण था कि इसके हाथ कई किलो असली शहद लग गया। लेकिन अफसोस कि ये शहद इसकी खुशी का नहीं बल्कि इसकी मौत का कारण भी बना। तो हुआ यूं कि खुशी के मारे इसने इतना डांस किया कि इसका ये सेफ्टी किट ही डैमेज हो गया, जिसकी वजह से मधुमक्खियों ने इस पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों का हमला इतना जोरदार था कि इनके काटने से ये शख्स इसी जगह बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचने पर मृत पाया गया। ये बात जानकर तो हर कोई हैरान रह गया कि आखिर ये कैसे संभव है। बाद में पता ये चला कि इस व्यक्ति ने जो छत्ता उठाया था वो किसी और का नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मधुमक्खी हॉर्नेट बीज का था, जो अपने दुश्मनों को बहुत कम ही बख्शती है। एक आंकड़े की माने तो हॉर्नेट बीज के हमलों में हर साल सैकड़ों लोग अपनी जानें गंवाते हैं, खासकर वो जो इनके घर मतलब छत्ते की ओर गलत नजर डालते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।